दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है जिससे हर ट्रेडर के फेस पे स्माइल आ जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। इससे पहले भी दोस्तों हमने एक सीरीज बनाई थी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, और जैसे हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया था, उस सीरीज हमने बताई थी, उसी तरीके से अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर भी सीरीज लेकर आने वाले हैं। और आज का दोस्तों ये पहला वीडियो है, बट इससे पहले कुछ चीज़ें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले जो आपको समझनी है कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उससे पहले आपको दोस्तों मार्केट की डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जब तक मार्केट की डायरेक्शन आपको नहीं पता होगी तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग, और दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में हम काफ़ी चीज़ें आज की वीडियो में बताने वाले हैं, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अब हम शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और आपको बताएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। ऑप्शन जो नाम है वो बेसिकली डेरिवेटिव से ही आया है, डेरिवेटिव का एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। अब सबसे पहले अगर हम ऑप्शन को समझने से पहले हम डेरिवेटिव्स को समझेंगे। डेरिवेटिव की वैल्यू जो डिराइव करती है उसके अंडरलाइन एसेट्स पे करती है। सबसे पहले आपको इस लाइन का मतलब समझना पड़ेगा, यानी कि डिराइव वर्ड से ये आया है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका देना चाहूँ तो वो है कि पनीर है, पनीर की जो अंडरलाइन एसेट है वो है मिल्क, तो मिल्क रहेगा पनीर का अंडरलाइन एसेट। वैसे ही दोस्तों जैसे मैंने को बताया कि एक फाइनेंशियल कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो अगर हम डेरिवेटिव के बारे में बताया तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के जो वैल्यू डिराइव करती है उसके 50 स्टॉक से करती है। ऐसी अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स जो है वो 30 स्टॉक से मिलकर बनता है, तो उसकी जो डिराइव वैल्यू है वो क्या है, वो 30 स्टॉक्स है। इसी तरीके से कमोडिटी हो गया, इंडेक्स हो गया, जैसे मैंने निफ्टी 50 के बारे में बताया और साथ साथ सेंसेक्स के बारे में बताया। तो जब हम डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव्स के चार कंपोनेंट्स हैं जैसे जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। जैसे हम स्पॉट मार्केट की बात करें जिसके बारे में आपको पता होगा, जिसमें हम कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसके साथ साथ फॉरवर्ड मार्केट जो कि काफ़ी कस्टमाइज रहता है, फ्यूचर मार्केट जिसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आगे, और साथ साथ आता है ऑप्शन। सबसे पहले हम समझेंगे स्पॉट मार्केट के बारे में। स्पॉट मार्केट के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, जब हम स्पॉट मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो T+2 में बेसिकली क्या होती है, उसकी सेटलमेंट होती है। और जब हम स्पॉट मार्केट में खरीदते हैं, स्टॉक को खरीदा जाता है, तो पूरी वैल्यू यानी कि पूरा मार्जिन है हमें देना पड़ता है, और दो दिन बाद जो शेयर होते हैं हमारे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और जब हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वो इंट्राडे के लिए ही होती है। सेकंड दोस्तों जिस मार्केट के बारे में बात करेंगे वो है फॉरवर्ड मार्केट। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, फॉरवर्ड मार्केट जो होती है पूरी तरीके से कस्टमाइज होती है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, फॉरवर्ड मार्केट के बारे में बताऊंगा तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसान है, अब किसान खेती करता है, अब मान लो उसने वीट की खेती करी, अब वीट की खेती करी और उसे पता है कि फैम में वो क्या है, फसल काटेगा। अब उसे डर भी है कि फैम में जब फसल काटेगा तो पता नहीं उसके जो गेहूँ के रेट अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, फसल के दाम अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसे डर रहता है भाई। उसका डिपेंडेंट होता है, वो वेदर के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, मार्केट के प्राइस के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। तो पहले ही वो जो मीडिएटर होते हैं, जो आड़ती जिसे बोलते हैं, जो किसान यानी कि फार्मर्स और रिटेलर के बीच में होते हैं, उसके बीच में जाके वो क्या करता है, आड़ती से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जो कि फॉरवर्ड होता है, कस्टमाइज होता है, जिसे कि भाई मैं आपको 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूँ बेचूंगा, अब फसल अच्छी हो बेकार हो, रेट मार्केट में क्या हो, मैटर नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है, अब जब फसल होती है, फसल काटने का टाइम होता है और मार्केट में उस टाइम रेट जो होता है वो 100 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो जाता है, यानी कि मार्केट में अगर वो फसल बेचेगा आड़ती को तो वो 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से बेचेगा, बट मार्केट में एक्चुअल वैल्यू उसकी 150 हो गई है। तो उस केस में आड़ती आएगा किसान के पास और बोलेगा कि भाई ये जो फसल है मुझे अपनी, यानी कि गेहूं जो है मुझे 100 रुपये क्विंटल के हिसाब से दे दो, बट वहां पे क्या होगा, किसान बोल देगा भाई मार्केट में रेट तो चल रहा है 150 के आसपास, तो मैं आपको 100 रुपये में नहीं दे सकता। अब इसी तरीके से क्या होगा, मान लो कि फसल का रेट 100 रुपये से 100 रुपये की जगह 80 रुपये हो जाता है,
अब उस केस में क्या करेगा, आड़ती किसान के पास नहीं आएगा, किसान जाएगा आड़ती के पास कि भैया तो 120 की हमारी बात हुई थी, 120 क्विंटल के हिसाब से आप मुझे 120 पे करो। बट वो बोलेगा कि मार्केट में रेट तो 80 रुपये चल रहे हैं, मैं तो 80 रुपये के हिसाब से पे करूंगा। बट कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो क्या हुआ था, वो हुआ था 100 रुपीज़ पे। बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कस्टमाइज था, ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ पेपर पे साइन होते हैं, ये सिर्फ एक बातों में होता है। यानी कि एक होता है ना कि मतलब कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा, कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो इस केस में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि काउंटर पार्टी रिस्क जिसको बोलते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फार्मर और आड़ती के बीच में हो जाता है, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, काउंटर पार्टी रिस्क होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। ये हो गया फॉरवर्ड मार्केट। अब तीसरा आता है दोस्तों फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं, जैसे फ्यूचर ऑप्शन हम बोलते हैं, तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर जो आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, वो रिस्क मैनेजमेंट में होता है। रिस्क मैनेज करते थे आप इसमें अपना, साथ साथ इसमें हेजिंग करते थे और आर्बिट्राज करते थे। पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, उसको आप समझ सकते हैं। रिस्क को मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा जो है बेसिकली वो है कि हेजिंग करना, यानी कि अपनी पोजीशन को हेज करना। हेज के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अपनी पोजीशन के अगेंस्ट में पोजीशन हेज कर देते हैं। तीसरा होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज के बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके ऊपर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि बेसिकली आर्बिट्राज होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो ये तीनों लोग, यानी कि आर्बिट्राज भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए और साथ साथ हेजिंग के लिए फ्यूचर में ट्रेडिंग की जाती थी। बट अब क्या हो चुका है, इसमें स्पेकुलेशन हो चुकी है। अब पूरी तरीके से स्पेकुलेशन होती है, इसमें ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल कहेंगे बेसिकली हम स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, जो कि फ्यूचर और ऑप्शन में की जाती है। अब ये सारी चीज़ें हमने बता दी। अब इसके बाद आता है ऑप्शन मार्केट। ऑप्शन में बेसिकली क्या होता है, प्रीमियम पे काम किया जाता है। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन से पहले हमने डेरिवेटिव मार्केट के बारे में समझाया। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, उसकी वैल्यू डिराइव करती है उसके अंडरलाइन एसेट पे। साथ साथ निफ्टी के डेरिवेटिव्स बता दिए, सेंसेक्स के मैंने आपको बता दिए, कमोडिटीज के बारे में बताया आपको, इसके साथ साथ बताया कि फॉरवर्ड मार्केट के बारे में, फ्यूचर मार्केट के बारे में, स्पॉट मार्केट के बारे में। ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिससे मिलकर बेसिकली ट्रेडिंग की जाती है। अब आता है ऑप्शन मार्केट। अब ऑप्शंस में ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ऑप्शन में कैसे कॉल होती है, क्या पुट होता है, प्रीमियम पे किस तरीके से काम किया जाता है, और ऑप्शन को अगर हम समझेंगे तो बेसिकली ये पूरी तरीके से एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस, ये ऑप्शन जो होता है वो एक इंश्योरेंस है, और इसके प्रीमियम पे आप काम करते हैं, और मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज एक बेसिक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया, और ऑप्शन से पहले जो चीज़ें हैं उसको पहले समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी तो कितनी भी अच्छी इमारत बना लो वो बाद में ढहेगी ढहेगी। तो हम डायरेक्टली ऑप्शन से बढ़ने से बेटर है उसके जो फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट है, डेरिवेटिव है, उसको अच्छी तरीके से समझे। अब दोस्तों मैंने आपको बेसिक एक ऑप्शन के बारे में बता दिया, डेरिवेटिव के बारे में बताया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी सीरीज लेकर आऊँ ऑप्शन के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपके पॉजिटिव कॉमेंट आते हैं तो मैं अब क्या करूंगा, एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा ऑप्शन पे, और मैं हर वीडियो में आपको ऑप्शंस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में बताऊंगा। और मैं ये चाहूंगा कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो काफी बेटर रहेगा, इसमें काफी लोगों को ऑप्शंस के बारे में पता चलेगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।